हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज अभी हम फिर से देखिए रेडी हो गए हैं अपने, क्योंकि हमको निकलना है। आज हमारी ट्रेन है और चेन्नई के लिए अभी हम हैं रामेश्वरम में। रामेश्वरम में हमने बहुत सारा घुमा है, वीडियो बनाया है, बहुत सारी वीडियोस बनाई है। देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको वीडियो मिलेगा आई बटन में। और अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं चेन्नई के लिए। ट्रेन का टाइम होने वाला है, अभी कितना टाइम हुआ है लेट मी चेक। 8 इतना छोटा घड़ी मुझे नहीं दिखता, लोगों को भी तो दिखाओ। अभी 7:50 हो रहे हैं और इसमें बिलिंग क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। अरे ये देखो, मैं ऐसे थोड़ी हाँ। ये क्या सिस्टम है? ये अच्छा, ये सेंसर कोई होगा जिससे पता लगता है, चेहरा पता लगाता है। 7:50 हो गया है तो हमारी ट्रेन है 8 बजे की 25 मिनट पे। तो अभी चलते हैं, आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ का प्लेटफॉर्म आपको दिखाते हैं, एक नई चीज इधर घुमाइए, ये देखिए और घुमाइए। ये देखो पीछे आपको शेड बनी दिख रही है, ये यहाँ पे ये इसलिए बनी क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस वजह से वो बनी है ताकि लोग आके उधर खड़े हो सके। हाँ, और इधर देखिए बहुत सारे नारियल के पेड़ है। और दूसरी चीज, ये जो स्टेशन है, अभी इधर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, ऐसा लग रहा है कि मुंबई का जैसे बस स्टॉप नहीं होता वैसा लग रहा है, क्योंकि मुंबई में खूब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म रहते हैं, स्टेशन, ये बस स्टैंड जैसे हो रहा हूँ। बस कोरोना है थोड़ा सही हो जाए फिर मिलते हैं मुंबई। तो वही मैं बता रही थी कि अभी ये थोड़ा सा क्या लग रहा है कि मुंबई का जैसे बस स्टैंड लग रहा है। और यहाँ पीपल का पेड़ ओढ़ है, ये क्या दिखाएं हम आपको, यहाँ रह के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। 2 दिन हम रुके थे यहाँ, स्टे किए थे, और यहाँ का जो कल्चर है काफ़ी ज़्यादा रिच है। मतलब सुबह सुबह सब लोग सुबह सुबह जब अपने घर के मतलब जो दरवाजे पे रंगोली बनाते हैं, और शाम को जब हम उधर से आए वापस तो हमने देखा कि लोग बाहर झाड़ू लगा के प्रॉपर पानी वानी डाले, मतलब गांव जैसा है, मिट्टी है, मुंबई जैसा नहीं, हर जगह रोड बनी हुई है, कंक्रीट है, वैसा नहीं, यहाँ मिट्टी है, तो उसपे लोगों ने पानी डाल रखा है, मतलब प्रॉपर अभी यहाँ पे सारी चीजें एक ट्रेडिशनल कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा देख के कि कल्चर अभी यहाँ पे चल रहा है, हम लोगों के यहाँ तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ऐसा, मतलब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आ रहा है अपने। हाँ, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो चलिए अभी ज्यादा नहीं करते हैं, चलते हैं हम प्लेटफॉर्म पे। हमारी ट्रेन जब आएगी तब दिखाएंगे कौन सी ट्रेन है हमारी। ट्रेन है, ट्रेन का नाम नहीं पता, लेट मी चेक, इंग्लिश आने लगी, मैं देख के बताता हूँ। और मेरे फोन में पता नहीं नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा, साथ पानी भिगा दे इस वजह से नहीं आ रहे। मे भी हो सकता है, इन्होंने अपना फोन समंदर में डाल के बढ़िया शॉट निकालने के चक्कर में पानी में डाल दिया था, तो हो सकता है। अरे कौन सी ट्रेन है वो बताइए। 0226 अभी देखना पड़ेगा इसका क्या नाम है, इसमें नाम लिख के नहीं आ रहा, चलिए छोड़िए। तो हमारी तो हमारी ट्रेन समझ में नहीं आ रहा है, टिकट बुक हो गई लेकिन पता ही नहीं कौन सी ट्रेन, ट्रेन नाम नंबर अभी देख रहे हैं, देख के बताएंगे। अरे इधर से तो बंद है। अरे है ना, निकल चलते हैं, आ जाओ इधर से। तो चलते हैं, हम वेट करते हैं, ट्रेन आ जाती है तो फिर ट्रेन पे बैठते हैं और आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे, तो बने रहिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। तो अभी हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं अंदर, और ये ट्रेन लगी हुई है जिससे हमको जाना है। ट्रेन का नाम नहीं पता है कौन सी ट्रेन है, और हमारी टोपी बार बार उड़ रही है इसलिए हम हाथ रख के ऐसा सा सूट कर रहे हैं, पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। और हम चलते हैं अंदर, अभी ट्रेन में बैठते हैं, नहीं पता चला ट्रेन चल देगी तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो हम आ गए हैं, सीट हमारी मिल गई है, यहाँ पे हमारी 4-5 सीटें हैं, हम तो इधर इधर सोने वाले हैं ऊपर यहाँ पे, वो ऊपर हम यहाँ सोने वाले हैं ऊपर। 4-5 सीटें बट मेरी एक है, ये पता नहीं 4-5 सीटों का क्या करती है, जब बोलती मेरी 4-5 सीटें बुक कर देना। और ये देखिए, ये हमारे अजीत दोस्त को गिफ्ट मिला है, हमारी तरफ से नहीं है, हमारा पेंडिंग में है, और ये इनके द्वारा साहिल भाई ने दिया, क्योंकि मैं गुच्ची का पर्स रखता था, साहिल भाई को वो बहुत अच्छा लगा। मेरे को मतलब गुच्ची तो नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए साहिल भाई ने बोला वुडलैंड का लीजिए, क्योंकि वुडलैंड भी मेरा फेवरेट ब्रांड है। अच्छा, ये वुडलैंड है, अभी इसमें रखते हैं, काफी अच्छा है वैसे ये, मुझे उतना पर्स के बारे में नहीं पता है, जेंट्स पर्स के बारे में, लेडीज तो मैं तो बहुत, मुझे पसंद है तो मैं इतने कलेक्ट करती हूँ, लेकिन इसके बारे में नहीं पता, लेकिन देख के अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है,
तो बधाई हो आपको नए पर्स के लिए। इसकी पार्टी बनती है, पार्टी मांगिएगा इनसे, पार्टी बनती है। पुराने हाउस से सारा सामान हाउस में एंटर करता हूँ, ओके ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसकी पार्टी बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। ट्रेन चलेगी तो जर्नी हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारी ट्रेन चल चुकी है और रात भर चलेगी, सुबह शायद हम पहुंचेंगे, पता नहीं कितने बजे चेन्नई। आई थिंक 500 किलोमीटर है यहाँ से रामेश्वरम से चेन्नई, और रात का टिकट इसलिए बुक किया क्योंकि दिन भर आराम से हम लोग घूम लेंगे और रात को आराम से सुबह पहुंच जाएंगे चेन्नई। तो सुबह पहुंचेंगे हम लोग चेन्नई और रात में तो वैसे पूरा सोना है, अगर फिर भी कुछ मिलता है दिखाने के लिए तो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हमारी ट्रेन चल रही है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम जा रहे हैं ट्रेन से और नीचे पूरा समंदर के बीच से ट्रेन की पटरी है। मतलब मैं क्या बताऊँ, पूरा पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूरा पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं बीच से जा रही हूँ, पूरा लहरे ऐसे ऐसे पानी हो रहा है। थोड़ा सा गेट से चल के दिखाते हैं, आइए। गेट मत खोलना, गेट बंद, गेट नहीं, बाहर से मैं थोड़ा सा आ जाइए। उन्होंने गेट बंद किया रखा है इस साइड, मैंने जो जो खुला है वही दिखाएंगे, आराम से जाना। हाँ, तो हम चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे अगर दिखता है तो, कोशिश करेंगे, वैसे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो दिख रहा है आपको, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा है, पूरा समंदर बीच से हम जा रहे हैं ट्रेन से और कितनी ज़्यादा लहरें, इतनी हाई टाइड हो रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब क्या बताऊँ मैं, डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और एक तो वैसे भी हवा चल रही, ट्रेन समंदर के बीच से जा रही तो हवाएं और भी ज़्यादा तेज़ हैं, तो मुझे दिखा है तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, लेकिन नाइट में उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, मैंने बता दिया थोड़ा सा, तो कैप्चर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं, इतना दिखा दिए बहुत है, थोड़ा मुझे लगा, मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए। हो गया। हाँ, तो मेरे फोन में तो कैप्चर ही नहीं पाया, आपके उसमें आया था, दिन में बनाया था वो वाला, आपको दिखा देंगे। हाँ, दिन में इन्होंने शूट किया था। तो एक्चुअली में जब हम आ रहे थे ना, तो हम लोग बस से आए थे, तो दूर से, हाँ दिन था, तो इन्होंने शूट किया था, तो इनके व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम शुरुआत है, सीनियर सीनियर होते हैं, जूनियर जूनियर होते हैं, तो समझ सकते हैं आप, सिर्फ व्लॉगिंग में सीनियर हूँ, बाकी आपको बहुत कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इनके व्लॉग में देख लीजिएगा जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। मॉर्निंग, राम राम, अभी सो के उठ गए हैं सब लोग, लेकिन देखिए बहुत तेज नींद है आंखों में, हमारे नहीं सबके, ये देखिए, ये देखिए, अभी डुबकी लगाना पड़ेगा समंदर में, तब जो है ये सब सही होगा। अभी पहुंचने वाले हैं हम लोग चेन्नई इग्मोर स्टेशन, मुझे लग रहा है एक घंटे और लगेंगे ना, और आधा घंटा, घड़ी पहने नहीं है, और सब लोग लग रहा है सोए हैं, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई है, आधी नींद हुई है, और हमारे दोस्त जो है रात भर काम किए हैं फोन में, 4 बजे में उठ के काम पे लगाऊं, ये हर टाइम काम करते रहते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, शूट कर लेते हैं, और कभी भी इनका एडिटिंग भी हो जाता है, हम लोग अभी ये सीनियर हैं, सीनियर हैं तो इनके काम पूरे यहाँ तक के हैं, और हम जूनियर हैं तो अभी हम चलना सीख रहे हैं। अरे कोई ब्यूटी दिख रही है इस ड्यूटी में। अभी तो बताएंगे नीचे। तो ये कौन सा स्टेशन है, पहुंचे हैं, अरे दिख नहीं रहा है, थोड़ा बताइए जरा, वो उधर बोर्ड लगा है लेकिन दिख नहीं रहा, अभी रुक गई है ट्रेन यहाँ पे, यहाँ से पहुंचेगी स्टेशन पे, तो फिर पहुंचते हैं स्टेशन, फिर वहाँ दिखाते हैं। तो उतर गए हम ट्रेन से, देखिए हमारी ट्रेन चलने लग गई है, निकल गई, हम उतरने वाले थे चेन्नई सेंट्रल पे, लेकिन वहाँ से हमारा जो घर, जो हमारा मेन पॉइंट जाना है जहाँ, वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता, तो इसलिए हम यहाँ उतर गए। ये कौन सा स्टेशन है, ये स्टेशन ताम्बरम है, यहाँ पे हम उतर गए हैं, और अभी ट्रेन तो जा रही है,
और हमको भी जाना है, निकलना है। यहाँ ब्रिज नहीं दिख रहा किधर से क्रॉस करेंगे, किधर जाना है। तो चलिए देखते हैं, जिधर से उधर से निकलते हैं, पहुँचते हैं आगे, फिर आपको बताते हैं। स्टेशन से निकल के सीधा हम बस में बैठ गए हैं और हमने पूछा उछा नहीं कहाँ जाएगी बस। कहाँ चल रहे हैं हम? मेटुकुंपम। और हम जा रहे हैं घर, घर से फ्रेशनअप होके फिर से तैयार वैयार होके एकदम बढ़िया से रेडी होके आज फिर किसी अलग डेस्टिनेशन पे निकलना है। और याद रखिए आज हम और भी खूबसूरत डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। तो आर यू एक्साइटेड? यस आई एम एक्साइटेड। मिलते हैं फिर वहीं पे। फिर से रेडी होके आ गए हैं, लेकिन हम आए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हम ट्रेन से उतरे, घर गए सीधा, फ्रेश हुए थोड़ा सा, नहा वहा के, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा थकान है। सिर्फ खाना खाने भर के लिए एनर्जी बची है, तो हम आ गए यहाँ पे। नॉर्थ इंडियन फूड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो खा के वो थोड़ा सा पेट ही नहीं भरता है, थक गए थे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो हमने मटर पनीर, जो हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मटर पनीर तंदूरी नहीं मिली है यहाँ, मिलता है फुलका। मटर पनीर और फुलका हमने ऑर्डर किया है, वो नॉर्मल रोटी जैसा होता है, जैसा हम लोगों के यहाँ बेल के बनाई जाती है घर पे। और आपने क्या ऑर्डर किया है? मैंने थाली ऑर्डर किया, उसमें तब मिल जाएगा, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, फिर खाना है तो इन अरे भैया थोड़ा आराम से बनाइए, खांसी आ रही है, तड़का ज़्यादा लगा दिए। तो हमारा खाना आता है, फिर हम खाते हैं, खाने के बाद फिर मिलते हैं। A few moments later। जो भी खाना आ गया है, हम लोग खाने लगे हैं। कंचन ने पकाया है पनीर, उसे क्या बोलते हैं, पनीर मखनी, मटर पनीर रोटी, और हमने जो थाली मंगाई उसमें सब्जी मिली, आलू की दाल, दही, और चार पाँच रोटियाँ हैं, खा लेंगे, भूख लगेगी तो और मंगा लेंगे, और मिलते हैं, भूख बहुत तेज लगी, बहुत तेज खाएंगे। यहाँ खाना जो है केले के पत्ते में है, देखिए केले का पत्ता और एकदम प्लेट की साइज का है, तो भूख बहुत तेज से लगी, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, खाएंगे जल्दी जल्दी। Few inches later। तो ये देखिए खाना पीना हो गया है, सारी प्लेट जो है एकदम साफ हो गई है, क्योंकि बहुत दिन के बाद इतना टेस्टी खाना मिला था, पूरी ट्रिप में खाना नहीं मिला था। और मैं आपको बता ही देती हूँ 16 रोटी खाया है, सिर्फ मैंने नहीं खाया, सब लोगों ने मिल के खाया है, और सिर्फ इसी में खाया। मेरी रोटियों का काउंट अलग रहेगा, क्योंकि मेरी थाली में रोटी आई थी वो काउंट नहीं है, तो नहीं नहीं सब मिला। अरे नहीं, वो थाली का रोटी अलग था ना। अच्छा, रोटी अलग आया है। अच्छा ठीक है, थाली में चार रोटी मिलता है, आपने 16 रोटी अलग से कहा गई। खाना वाना हो गया है, अभी चल रहे हैं घर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते करते थक गए एकदम। आप लोग सीरीज़ देख ही रहे हैं, अगर सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, खूब सारा शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारी ट्रिप ख़त्म नहीं हुई है, आज बस हम एक ब्रेक ले रहे हैं, आज थोड़ा रिलैक्स होंगे, क्योंकि वन वीक तक ट्रेवल करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी लोकेशन पे और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।